बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में माननीय साहब कांशीराम के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके लाल मणि प्रसाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी को इस्तीफा लिखकर बता दिया कि वो किस वजह से पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। आपको सुनवाते हैं लाल मणि प्रसाद क्या कह रहे हैं। आज मैंने बहुजन समाज पार्टी से जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब का कारवा मूवमेंट पिछड़ रहा था और बहुजन समाज में आक्रोश है, इसलिए हमने निर्णय लिया बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से लेके सभी पदों से इस्तीफा मैंने आज दे दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी को हमने आज उनको अवगत भी करा दिया रजिस्ट्री के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से। जी, गठबंधन तो सही हुआ था और मेरा ये मानना है कि यदि गठबंधन बरकरार रहता तो आगे उसका बेनिफिट मिलता, रहना चाहिए था और बहुजन समाज में गठबंधन होना चाहिए था। अब जल्दीबाजी में लिया गया, लेकिन फिर भी जो है सारे लोगों ने ईमानदारी साथ काम किया, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली तो अब उसमें किसी समाज का दोष नहीं है, कोई परिस्थिति है, उन परिस्थितियों का रहा होगा कोई, जिसके कारण जो है पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जिस तरह से लोगों में रुझान बढ़ा था, हमें उम्मीद है कि बहुजन समाज के सारे जो अंग हैं वो लोग आगे चल करके जुड़ करके बहुत ताकत देते। हमने महसूस किया कि हम मूवमेंट के वफादार सिपाही हैं। मैंने महसूस किया कि जो बाबा साहब का कारवां था, उन्होंने कहा था कि बहुत ही दुख तकलीफ सहने के बाद इस कारवां को किस मंजिल तक लाया हूं, यदि आगे न बढ़ सके तो इसको पीछे नहीं करना है। उस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास मानवर कांशीराम साहब ने किया, वो कारवां आगे बढ़ रहा था, लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने नजर आई कि कारवां आगे न बढ़ने के कारवां पीछे जा रहा है। इस नाते हमारे जैसे लोग, आने वाली औलादें, आने वाली पीढ़ियां हम लोग न कोसें, इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम बहुजन समाज पार्टी वर्तमान रीतियों नीतियों से जो है हम सहमत नहीं, हमने इस्तीफा दिया। जो आपके नेतृत्व की अब वो उनका विषय है, ले जा रहे हैं नहीं रहे उनकी सोच है, हम लोगों ने तो हमेशा निष्ठा ही मानी। हाँ, तो हम लोग तो निष्ठा ईमानदारी साथ काम किया, तो उनको खुद महसूस हो रहा होगा कि हमारा जनाधार, हमारा ग्राफ क्यों गिर रहा है, ये तो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। अब नहीं, कोई नया पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे जो समर्थक हैं पूरे प्रदेश में या देश में, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही